नमस्ते दोस्तों, आज मैं शेयर कर रही हूँ ना आप सबके साथ ना करेले की सब्जी। करेले का नाम सुनकर ना लोगों को लगता है कि ये बहुत कड़वा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे ना तो करेला कभी भी कड़वा नहीं लगेगा और बहुत ही टेस्टी भी लगेगा आपको। जब आप एक बार इस तरीके से करेले की सब्जी बनाएंगे ना तो इसे बच्चे बड़े बहुत ही पसंद से खाएंगे, सभी को ये पसंद आता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम करेला लेंगे छोटे छोटे। तो छोटे छोटे करेला लेने से क्या होगा ना, इसका पीस कट करने में ना आसानी होगी। तो करेला का भी पीस हम लंबे लंबे पीस में कट करेंगे, और लेकिन पतला पतला ही, बहुत मोटा मोटा इसका पीस हमें नहीं रखना है। तो समझिए ना, एक करेले को दो भाग में बांटेंगे, उसके बाद हर भाग में से तीन पीस या चार पीस निकालेंगे। तो देख रहे ना आप, इसी तरह से पतले पतले पीस में हमें करेले को कट करना है, और सारे करेले को ना हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ हमने सारे करेले को कट कर लिया और इसे अब साइड कर देते हैं। तो इस सब्जी के लिए ना थोड़ा सा प्याज भी हम काटेंगे। तो प्याज भी यहाँ मीडियम साइज का हमने चार लिया है, बड़े साइज का हो तो आप दो भी ले सकते हैं। और सारे प्याज को ना ऐसे ही पतले स्लाइस में ही कट करेंगे हम। तो यहाँ सारे प्याज को हमने कट कर लिया, इसे साइड कर देते हैं। और उसके बाद एक कढ़ाई या पैन जो भी लेना है उसे गर्म करेंगे, उसमें सरसों का तेल डालेंगे। और जब सरसों का तेल गर्म हो जाए ना तो उसमें एक चम्मच जीरा डाल देंगे। और जीरा के चटकते ही जो प्याज हमने कट करके रखा था ना उसे धोकर अच्छे से साफ करके डाल देंगे इसमें। तो यहाँ प्याज को भी हमें ज़्यादा देर नहीं भूनना है, बस एक दो मिनट के लिए पकाएंगे। उसके साथ ही करेला जो हमने कट करके रखा था ना, करेला भी डाल देंगे। प्याज करेला ना दोनों साथ में ही भूनेंगे, जिससे ना करेला भी सॉफ्ट हो जाएगा जल्दी। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। और 4-5 मिनट इसको भूनने के बाद ना, जब करेला और ये प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो एक टमाटर को कट करके हम डाल देंगे इसमें। तो यहाँ टमाटर डालने के साथ ही ना नमक भी इसमें डाल दें। नमक हमने इसमें डाल दिया, आपको दिखाना भूल गई थी। और टमाटर के सॉफ्ट होने तक थोड़ा सा इसे 2-3 मिनट और पकाएंगे। और इसके बाद ना इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो मसाला में हमने 1 चम्मच मिर्ची पाउडर दिया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मीट मसाला, और थोड़ा सा कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्ची डाला है। और इन सबको डालकर ना 2-3 मिनट और भूनेंगे मसाला को हम। तो यहाँ आपके पास मीट मसाला ना हो तो आप यहाँ पे ना पाव भाजी मसाला या सब्जी मसाला भी डाल सकते हैं। और 2-3 मिनट मसाला भूनने के बाद ना इसमें पानी हम डाल देंगे। तो पानी भी हमने यहाँ ना आधा ग्लास के करीब ही डाला है, बहुत इसमें ग्रेवी तो बनाना नहीं है और सब्जी पहले से ही करेला सॉफ्ट है। और साथ में इसमें 1 चम्मच आमचूर का पाउडर डालेंगे। आमचूर का पाउडर ना हो तो आप यहाँ पे ना चाट मसाला या नींबू का रस भी डाल सकते हैं, जिससे करेला का ना कड़वापन ख़त्म हो जाएगा। और इन सबको अच्छी तरह से मिलाने के बाद ना इसे ढक कर हम 4-5 मिनट पकाएंगे। और 4-5 मिनट बाद मैं इसे आपको दिखा रही हूँ। अब गैस का फ्लेम ना हमेशा मीडियम ही रखें। देख रहे हैं अच्छी तरह से पक गया, सब्जी हमारा रेडी हो गया है। देखने में भी अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। अब कड़वा तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा। आप भी एक बार इस तरीके से ट्राई कीजिएगा ना, बहुत ही टेस्टी अच्छी सब्जी बनती है करेले की, जिसे बच्चे बड़े सभी बहुत पसंद से खाते हैं। और आप भी रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी इसे खा सकते हैं। तो लीजिए, मैं इसे आपको सर्व करके भी आपको दिखाती हूँ। देख रहे हैं, देखकर ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए, मेरी इस रेसिपी को ना आप भी एक बार ट्राई कीजिए। और वीडियो फुल वॉच करने के लिए आपको थैंक यू।